for giving me lifetime moment. बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अगर आपने ये डायलॉग सुना है तो आपने शाहरुख खान की जवान मूवी भी जरूर देखी होगी। लेकिन क्या आपको पता है इस मूवी की शूटिंग कब, कहां और कैसे हुई थी? अगर नहीं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आप, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जवान मूवी के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी जाकर आपको समझ आएगा कि इसकी शूटिंग आखिर हुई कैसे थी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी किंग खान सर के फैन हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सीन की, जब शाहरुख खान अपनी टीम की 6 लड़कियों के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो हाईजैक कर लेते हैं। आप देख ही सकते हैं इस सीन को शूट करने के लिए रियल मेट्रो का यूज किया गया था। वैसे हम आपको बता दें कि फिल्म में जिस मेट्रो को मुंबई मेट्रो दिखाया गया है, एक्चुअली में वो पुणे के संत तुकाराम मेट्रो की वीडियो है, जिसकी जानकारी खुद रेलवे ऑफिसर्स ने दी थी। जवान फिल्म में महिलाओं की जेल को कई बार दिखाया गया है, पर हम आपको बता दें कि ये कोई सच का जेल नहीं है, बल्कि ये जिंदा बंदा सॉन्ग के लिए तैयार किए गए एक सेट का ही पार्ट है। आप देख ही सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कैदी महिलाओं को, जो एक्चुअली मॉडल हैं, उनको रेडी किया जा रहा है। अगर इस सीन की बात करें तो ये सीन उस टाइम का है जब आजाद को गुंडों से बचाने के लिए विक्रम राठौर यानी कि आजाद के फादर की एंट्री होती है। इस सीन को एक वर्कशॉप में शूट किया गया था। वैसे हम आपको बता दें कि ये कोई रियल वर्कशॉप नहीं है, बल्कि ये नवी मुंबई अंधेरी में यशराज स्टूडियो का एक पार्ट है। आप देख ही सकते हैं कि कैसे यहाँ पर फाइट को शूट किया जा रहा है। जवान मूवी की बात हो और जिंदा बंदा गाने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फिल्म का वो गाना है जो मूवी रिलीज से 24 घंटे पहले ही रिलीज कर दिया गया था। और यही नहीं, 24 घंटे के अंदर ही रिव्यूज की भरमार कर दी थी। आप इस सॉन्ग की बिहाइंड द सीन को देख सकते हैं कि कैसे एक्टर्स और मॉडल्स अपनी डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इस सॉन्ग की शूटिंग के लिए बहुत बड़े आलिशान सेट को तैयार किया गया था, जिसे तैयार करने में 15 करोड़ का खर्च आया था। इतने में तो हमारे यहाँ एक आलिशान बंगला बन जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि अब तक की किसी भी इंडियन सॉन्ग के लिए बनने वाला सबसे महंगा सेट है। इस सॉन्ग में शाहरुख सर के परफॉर्मेंस देखने लायक है, और यही वजह है कि इन्हें बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है। इस सॉन्ग की एक अलग ही खास बात है कि इसे हिंदी और तमिल दोनों में अलग अलग शूट किया गया था, जिसके पीछे डायरेक्टर का मकसद दोनों ही भाषाओं में फील लाना था। आपको जवान मूवी का ये सीन तो याद ही होगा, जब हाईवे पर पैसों से भरे ट्रक जाते हैं और एक ट्रक का पूरा पैसा हवा में उड़ने लगता है। हम आपको बता दें कि इस पूरे सीन को संभाजी नगर के बिड़किन हाईवे पर शूट किया गया था। आप देख ही सकते हैं कि कैसे कैमरामैन और बाकी के मेंबर्स खड़े होकर पूरी शूटिंग को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। किंग खान की मूवी हो और रोमांटिक सीन न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जवान मूवी का चलिया सॉन्ग भी कुछ ऐसा ही है। वैसे हम आपको बता दें, इस सॉन्ग को मुंबई में ही शूट किया गया था। आप अपनी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देख सकते हैं, मुंबई के ग्रैंड होटल में प्राइम लोकेशन के सामने इस गाने को शूट किया जा रहा है। किंग खान की कोई भी फिल्म आए और उसमें ताबड़तोड़ और धमाकेदार फाइट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप इस वाली सीन को देख ही सकते हैं। ये बिहाइंड द सीन तब का है जब मूवी में कुछ बाइक और स्कॉर्पियो कार को ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस सीन को शूट करने के लिए किसी VFX या ग्रीन पर्दे का यूज नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर रियल स्कॉर्पियो कार और मोटर बाइक को ब्लास्ट करके उड़ाया गया था। तभी तो इस छोटे से सीन को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी स्कॉर्पियो कार मंगाई गई थी। जब SRK की कोई भी मूवी आती है तो उनके हेयर स्टाइल को लेकर ड्रेसिंग सेंस को फैंस के बीच में काफी पसंद किया जाता है। यही वजह है कि जवान मूवी में इनके चेहरे पर पट्टी बांधी हुई लुक को ऑडियंस ने खूब पसंद किया, और इनके कुछ फैंस ने तो इन्हें फॉलो भी करते हुए अपने फेस पर ही पट्टी बांध डाली। अगर इस सीन की बात किया जाए तो ये सीन उस टाइम का है जब SRK को मेट्रो में दिखाया जाता है। इसे पुणे के मेट्रो स्टेशन में शूट किया गया था, जिसका बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मूवी के अगले सीन की। ये सीन उस टाइम का है जब शाहरुख खान की एक ताबड़तोड़ स्टंट परफॉर्मेंस होती है, जिसके लिए शाहरुख खान को रस्सी से बांधा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीन को शूट करने के लिए ब्लू स्क्रीन के आसपास बड़े बड़े मैट्रेस को बिछाया गया था, ताकि एक्ट्रेस को किसी भी तरीके से इंजरी ना हो सके।
आप देख सकते हैं इस सीन को कितनी सेफ्टी के साथ शूट कराया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे क्या आपने जवान मूवी देखी है? अगर हाँ तो इस मूवी का कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।